स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी रूपीज 160। तो 160 है यहाँ पे। इसके बाद आगे कहा गया है कि आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रूपीज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली कह लीजिए या फिर आप इसको ग्राफिकली कह लीजिए की बात है। तो इसको हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहां पे पहले बच्चों बात क्या हो रही है, बात यहां पे हो रही है एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट की। तो ये हम यहाँ पे जो इनकी कॉस्ट है वो वेरिएबल्स है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स की जो कॉस्ट है हम मान लेते हैं रुपीज एक्स। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg ऑफ ग्रेप्स ये है हमारे पास रुपीज 1। अब जो कंडीशन है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक तो है कि 2 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एक्स रुपीज क्या है तो 2 kg 2x की हो जाएंगे। 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की क्या कॉस्ट है वाई रुपीज, तो प्लस वाई, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी और ये कितनी है 160। तो हमें ये कंडीशन मिल जाती है यहां से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन भी है तो हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोबारा से अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो यहां पे हमारे पास क्या है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg मीन्स 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज। अब प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसी को इक्वेशन 2 मान सकते हो। अब ये देखो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है तो आप इसको 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो। इससे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। तो आपकी मर्जी है, आप इसको डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं और अगर आप इसको ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने पिछली बार 3 से डिवाइड किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, अब की बार हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। अब आप देखो हमारे पास ये हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिकली हमने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया इन 2 इक्वेशन से। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इनको इनके पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, यहां से वेन x इज 0, वेन x इज 0 y इज इक्वल टू 160, तो यहां से हमें पॉइंट मिल गया 0 और 160। x 0 है तो y इज इक्वल टू 160, वेन y इज 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करके हमारे पास 80 आ जाएगा, पॉइंट आ गया। पहले x लिखेंगे 80 और 0, तो ये 2 पॉइंट्स हमें लीनियर इक्वेशन 1 के कोरस्पॉन्डिंग मिल गए। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, यहां पे व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 300 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 2
तो 150 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 150, तो पॉइंट मिल जाएगा x 0 y 150। ठीक, इसी तरह से when y इज इक्वल टू 0 तो 4x ये 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4, 7 पे 2 आ जाएगा 5, x की वैल्यू आ गई 75, तो पॉइंट्स मिल गया हमें x 75 और y 0, तो 2 पॉइंट्स हमें यहां से मिल जाते हैं। अब हमें प्लॉट करना है। अब देखो स्केल हमारा x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 है, 80 तक जा रहा है, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 160 है। तो x 80 तक जा रहा है और y 160 तक जा रहा है, तो अगर आप 10-10 के लेंगे तो y के लिए 16 मार्क लगाने पड़ेंगे आपको, अगर 20-20 के लेंगे तो एटलीस्ट 8 लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे हम 20 के ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, तो हम 20-20 के मार्क लगा लेते हैं यहां। आप 10-10 के भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये ओरिजिन 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, यहाँ पे -20, -40, -60, -80, -100, -20, -40, -60, -80, -100 एंड सो ऑन, इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा x, ये x डैश, y और y डैश। अब अगर हम बात करें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की, इसका पॉइंट है x 0 y 160, x 0 y एक्सिस क्या होगा और y 160, तो ये हमारे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से x 80 है और y 0 है, x 80 और y 0, y x एक्सिस पर 0 है, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। तो इसको हम मिला देंगे स्केल के साथ, पेंसिल के साथ, ग्राफ पेपर पे आप करेंगे इसको, इसको इस तरह से हम मिला देंगे। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 आ गया, आप उस पर लिख दें, मेंशन कर दें कि ये हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ठीक, इसी तरह से अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इसमें x 0 है, y 150 है। अब आप देखें x 0 y एक्सिस पे होगा 150, ये देखो 140, ये 160, तो इसके बिल्कुल बीच में 150 मिल जाएगा। सेकेंड है x 75 है और y 0 है, x देखो 60 और 80 के बीच में, यहां पे 70 होगा और 70 और 80 के बीच में 75 होगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, इस जगह पे आ जाएगा हमारे पास ये। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब यहां से इसको अगर हम करें आगे, इसको हम प्लॉट करते हैं, इसको यहां मिलाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी। देखो ये इस तरह से चल रही है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम, आप स्केल के साथ इसको करेंगे तो ये आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये दोनों ही लाइनें आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो, या फिर दोनों ही कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल लाइंस होगी, या एक लाइन आप प्लॉट करोगे दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ जाएगी, दोनों ही लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। अब हमारे पास ये देखो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये कैसे केस हो जाएगा, पैरेलल लाइन का केस हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
वो टू पैरेलल लाइंस आ जाएगी। आप इसको स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से ग्राफ पेपर पे इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहां पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 3.2 में भी ग्राफ्स के ही क्वेश्चन है, आपको ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है। हम एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे कि ग्राफ जब बन गया तो ये जो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार है और उस सॉल्यूशन की क्या वैल्यू है, मीन्स एक्स की क्या वैल्यू और वाई की क्या वैल्यू, वो हम पढ़ेंगे। मीन्स अगली एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझने के लिए भी आपको ग्राफ जो बनाना आना चाहिए, बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो इस वजह से अगली एक्सरसाइज के लिए भी जो ग्राफ है प्लॉट करना वो अच्छे से आपको आना चाहिए। तो आज इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करें। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।